पद्म रागों से अधर मानो बने, मोतियों से दांत निर्मित है धने, और इसका हृदय किससे है बना। ज़रूर उस शायर ने जिसने लिखा है कि बहुत खूबसूरत है हर बात लेकिन अगर दिल भी होता तो क्या बात होती, तो उसने ज़रूर ये पढ़ के लिखा है। दोस्तों है ना, ये साकेत की सुंदरता देखिए, सौंदर्य उसका भाषागत। पद्म रागों से अधर मानो बने, मोतियों से दांत निर्मित हैं धने, और इसका हृदय किससे है बना। लेकिन हमारी नायिका का हृदय बेहद सुंदर है, वह हृदय ही है कि जिससे है बना, वह हृदय ही है कि जिससे है बना। प्रेम पूरित सरस कोमल चित्त से, तुल्यता की जा सके किस वित्त से। शाण पर सब अंग मानो चढ़ चुके, प्राण फिर उनमें पड़े सब गढ़ चुके। झलकता आता अभी तारुण्य है, आगुराई से मिला आरुण्य है। लोल कुंडल मंडलाकृति गोल है, घन पटल से केश कांत कपोल है। देखती है जब जिधर यह सुंदरी, देखती है जब जिधर यह सुंदरी, दमकती है दामिनी सी द्युति भरी। है करों में भूरी भूरी भलाइयाँ, लचक जाती अन्यथा न कलाइयाँ। चूड़ियों के अर्थ जो हैं मणिमयी, अंग की ही कांति कुंदन बन गई। एक ओर विशाल दर्पण है लगा, पार्श्व से प्रतिबिंब जिसमें है जगा। मंदिरस्था कौन यह देवी भला, किस कृति के अर्थ है इसकी कला। स्वर्ग का यह सुमन धरती पर खिला, नाम है इसका उचित ही उर्मिला। विश्व प्रसिद्ध उर्मिला का वर्णन काव्य रूपेक्षिता रविंद्रनाथ टैगोर के लेख के बाद उर्मिला वर्णन में कवि जुटे हैं। आशा है कि आप ये फूल भी देख पा रहे हैं इतनी सुंदर कविता के साथ। यह सीता नहीं है, यह वह नायिका सीता नहीं है जिसके सौंदर्य पर रावण भी मोहित हुआ, लेकिन यह उर्मिला है जिसके विषय में आगे एक और पंक्ति कही गई है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दारिम का समझकर भ्रांति से। सोच कर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। शुक अर्थात तोता। इतनी सुंदर उसकी नाक ओट की रूप गाथा है। तो है ये उर्मिला वर्णन दोस्तों काव्य रूपेक्षिता। उर्मिला का जो विरह है, उसके जीवन का जो दर्द है, सीता अपहृत हुई, सीता की अग्नि परीक्षाएं हुई, उर्मिला की भी एक प्रकार से अग्नि परीक्षा हुई, लेकिन वह उपेक्षित है, उसी पे इतना सुंदर लिखा है। मैथिली शरण गुप्त है। किस कृति के अर्थ है इसकी कला, स्वर्ग का यह सुमन धरती पर खिला। नाम है इसका उचित ही उर्मिला, शील सौरभ की तरंगे आ रही। दिव्य भाव भव्यादि में है ला रही, सौद्ध सिंह द्वार पर अब भी वही, बांसुरी रसरागिनी में बज रही। अनुकरण करता उसी का कीर है, पंजरस्थ जो सुरम्य शरीर है। उर्मिला ने कीर सम्मुख दृष्टि की, या वहां दो खंजनों की सृष्टि की। उर्मिला ने कीर सम्मुख दृष्टि की, या वहां दो खंजनों की सृष्टि की। क्या उपमा है, क्या बिंब। मौन होकर कीर तब विस्मित हुआ, रह गया वह देखता सा स्थित हुआ। प्रेम से उस प्रेयसी ने तब कहा, रे सुभाषी बोल चुप क्यों हो रहा। पार्श्व से सौमित्रिया पहुँचे तभी, और बोले लो बता दूं मैं अभी। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। यो वचन कहकर सहास्य विनोद से, मुग्ध हो सौमित्रि मन के मोद से। पद्मिनी के पास मत मराल से, हो गए आकर खड़े स्थिर चाल से। चारु चित्रित भित्तियां भी वे बड़ी, देखती ही रह गई मानो खड़ी। प्रीति से आवेग मानो आ मिला, और हार्दिक हास आँखों में खिला।
मुस्कुराकर अमृत बरसाती हुई, रसिकता में सुरस सरसाती हुई। उर्मिला बोली, अजी तुम जग गए, स्वप्न निधि से नयन कब से लग गए। मोहिनी ने मंत्र पढ़ जब से छुआ, जागरण रुचिकर तुम्हें तब से हुआ। गई गत हुई संलाप में बहुरात थी, गत हुई संलाप में बहुरात थी। प्रथम उठने की परस्पर बात थी, जागरण है स्वप्न से अच्छा कहीं। प्रेम में कुछ भी बुरा होता नहीं। क्या खूबसूरत दो सुंदर हृदयों के मिलन की कथा है दोस्तों। लक्ष्मण, सौमित्र और उर्मिला का प्रेम वर्णन सुना आपने साकेत के प्रथम सर्ग से। आशा है कि पसंद आया मेरा पाठ इतने सुंदर खंड काव्य का। लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों।